एंड एवरीबडी वॉज लाइक हैकर बैन हो गया, लोल्स हैक करके कॉनकर पहुंचा, लोल्स हैक करके टॉप टेन पहुंचने के ट्राई किया। लोल्स को मैं पहले से जानता था वो हैक करता है ये वो, लाइक लिटरली भाई वो टाइम पे तो मेरा दिमाग तो घिसक गया था। एंड फिर मैंने पबजी वालों से बात की, लाइक वही मैंने ऑनस्ट में सब कुछ किया, लाइक पबजी वालों से बात की, दे वर लाइक कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हम ये हमारे जो वर्क आवर्स होते हैं वो है 10 से 1 एंड वो मंडे टू फ्राइडे तक ही होता है। तो वो टाइम पे भाई मैं सबका सुना, लाइक एवरीबडी वॉज लाइक भाई तू चूतिया बना रहा है पब्लिक को, तू हैक करके खेलता है तेरी। तो लाइक ये सारी चीज़ें हुई। सो फिर मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ एंड मैं थोड़े कॉन्टेक्ट लगाने की ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने क्रॉन्टन को मैसेज किया कि क्रॉन्टन मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो अगर पॉसिबल है तो कुछ ट्राई, लाइक कुछ अगर पॉसिबल है तो कुछ करके अपन ऑफिसर से बात करें कि मैंने कोई हैक वगैरह नहीं किया एंड जो भी था अपन ने ऑन स्ट्रीम मैंने किया, तो मेरे पास ये लिंक्स वगैरह, तो मैंने क्रॉन्टन को, घातक भाई को, प्रवीण भाई को, गुरमित पाजी को, लिथल को, जो भी मेरे पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे मैंने सभी को वो चीज़ें भेजी एंड दे वर लाइक हाँ लोल्स ये हो जाएगा अनबैन, हम ट्राई करेंगे। सो वो पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है। तब तक मेरे को एंड में सिर्फ एक ही न्यूज़ मिलती है कि लोल्स तेरा अकाउंट है जो है वो अंडर रिव्यू चला गया है, लाइक टेंशन वाले उसको रिव्यू कर रहा है। अगर बाय चांस तूने कभी भी एक हैक की फाइल या फिर कभी भी तूने कोई भी जो भी चीट वाली फाइल होगी तूने अगर इंस्टॉल की होगी तेरे पीसी में, तो तेरी आईडी अनबैन नहीं होगी। सो मेरे को अंदर से पता था कि भाई मैंने आज तक कोई ऐसा एक काम नहीं किया जिससे मेरी आईडी बैन हो जाए या फिर रिव्यू में ऐसा दिख जाए कि मैं हैकर हूँ या फिर मैंने कभी भी चिट्स इंस्टॉल किया, कभी भी मैंने ये जो मैजिक बुलेट इम्पोर्ट वगैरह इंस्टॉल किया। तो फिर मेरे को दूसरे दिन मैसेज आता है अपने क्रॉन्टन की साइड से कि आई विल हेल्प यू टुडे, लेट मी कॉल देम, लाइक जो ऑफिसर्स थे ऑफिस पबजी मोबाइल के ऑफिसर्स थे वो क्रॉन्टन को मैसेज भेजते ये वाला, वी कन्फर्म ही डिडंट यूज हैक एंड ऑल। तो मतलब यहाँ पे मैं एक सेफ जोन पे पहुँच गया कि क्रॉन्टन वगैरह को ऑफिसर्स लोग बोलते हैं कि लोल्स की आईडी पूरी वो है, लाइक क्लियर है, कोई भी हैक्स वगैरह नहीं है। तो वो टाइम पे क्रॉन्टन मेरे को कॉल करता है कि लोल्स देख ऐसा ऐसा है एंड तेरी आईडी रिव्यू हो चुकी है एंड अब तेरे को डरने की कोई बात, लाइक कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी आईडी अभी थोड़े टाइम में आ ही जाएगी, लाइक उसने बोला कि मे बी रात तक आ जाएगी। तो होता ये है कि मेरे को नहीं आया क्रॉन्टन का ये जो मैसेज जॉब वगैरह आते हैं वो मेरे को आते हैं सुबह 10 के आजुबा जो आते हैं, जो ये आपको दिख रहा है 8:27, तो मेरे को नहीं आया 10 के आसपास मैसेज आता है क्रॉन्टन का कि ऐसा ऐसा है। तो फिर आगे लाइक जो कि बोलने जाते हैं ना कि अगर तुम सच हो तो भाई तुम डरोगे नहीं। तो फिर आगे नियर बाय 11 बजे के पास मेरी आईडी अनबैन हो जाती है एंड कुछ ऐसा पॉपअप आ जाता है लाइक स्क्रीन पे लाइक दिस, ठीक है, मेरी आईडी आ जाती है। बट मैं जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया था, लाइक डेट इज़ कॉन्कर टॉप 10 का जो मेंटेन करके रखा था, तो वो सारा चीज़ें ये अपने लाइक टेंशन वालों ले लिया, बट आईडी अनबैन कर दी थी। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज 5 मेरा हो गया था। सो आई वॉज लाइक चलो कोई नहीं, ब्रॉन्ज 5 मेहनत ही गई है तो अपन उसको वापस से डेवलप करके कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो ब्रॉन्ज 5 से मेरी आईडी अनबैन हो गई, तो मैंने जल्दी से रैपिडली पूरा स्ट्रीमिंग चालू किया, मैंने पूरा अपडेट कर दिया मेरे ऑडियंस को कि गाइस अपनी आईडी अनबैन हो चुकी है। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा रिलीफ हुआ कि भाई चलो यार कुछ नहीं, तो थोड़ा जो जिसके दिमाग में ऐसा था कि लोल्स हैकर है, लोल्स हैकर हैक करके खेला है, कॉन्करर वैसे पहुँचा है एंड मेरा जो ऑन स्क्रीन बैन हुआ था उसका भी एट देन थोड़ा सा क्लैरिफाई तो हो गया। तो भी सभी लाइक मेरे को DMs आने लगे कि भाई तू अभी भी ब्रॉन्ज 5 में क्यों है, लाइक तेरे पॉइंट्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि जो बैन होता है उसको पॉइंट्स वगैरह मिले जाते हैं अनबैन होता है। तो फिर भाई मैं वहाँ पे लाइक सोच में पड़ गया कि भाई अब पॉइंट्स का क्या करना, मतलब कैसे होगा क्या होगा। तो मेरे को नियर बाय 6 बजे के आसपास मेरे को मेरे मॉडरेटर का सबसे पहले कॉल आता है, फिर क्रॉन्टन का, फिर अपने प्रवीण भाई का वगैरह सबका एक साथ कॉल आता है कि लोल्स तू अभी टॉप एशिया के टॉप में दिख रहा है, तो मैं अब तुमको दिखाता हूँ कि अभी अपना रैंक वगैरह क्या चल रहा है क्या नहीं। सो वो जो 6:30 बजे की बात है कि मेरे को कॉल्स वगैरह आते हैं सभी के साइड से जिन जिनको मैंने इन्फॉर्म करके रखा था कि मेरे को आईडी अनबैन करनी है। सो
दिखाता हूँ मैं आपको, ये गेम चालू हो जाए तो अभी अपने हाल फिलहाल सारी जो भी रैंकिंग्स थी वगैरह वो सारी अपने को दे दी गई है। लाइक मैं जो टॉप 17 पे बैन हुआ था, बट अभी थोड़ा 2 दिन में खेला नहीं तो मे बी रैंक गिर ही गया होगा, तो थोड़ा देख लेते हैं अपना रैंक वगैरह क्या आ गया है। सो टैब में जाते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, इसको एशिया करते हैं। सो अपना AS26 स्टार है। सो इसका जो कॉन्करर फ्रेम है वो आज 5:30 बजे रिफ्रेश हो जाएगा ना, आप वापस अपने कॉन्करर टैग तो मिल ही जाएगा। बट यहाँ पे देखने आते हैं तो टोटल रैंक अपनी 24 आ चुकी है। तो भाई जो मेहनत अपन ने की थी वो लाइक पबजी वालों ने अपने को लाइक वापस से वो जितना भी एफर्ट किया था गेम के लिए एफर्ट किया था वो लोगों ने इतना तो वापस दे दिया। गेम का जो डेटा था वो भी रिस्टोर कर दिया। सो यस यार, ये लाइक बहुत बुरा वक्त था मेरे लिए। ये 2 दिन जितनी मैंने गालियाँ वगैरह खाई एंड एक छोटी गलती की वजह से मेरे को ये बैन वगैरह एंड भाई बहुत डिसलाइक्स वगैरह आए थे। तुम अगर मेरे रिसेंट के स्ट्रीम्स देखोगे तो 2000 तक के डिसलाइक्स हुए थे बिकॉज मेरा ऑन स्ट्रीम बैन हुआ था। एंड हेट की वीडियोज़ बनी थी, बहुत सारी हेट वीडियोज़ बनी थी जिसमें बंदे लोग प्रूव कर रहे हैं कि हाँ लोल्स हैकर है, लोल्स हैकर के बैन हुआ है। तो यस, तो अब पूरी आईडी तुम्हारे सामने है। यहाँ पे अभी अपन एशिया के टॉप 24 में भी अभी बैठे हैं। तो यार ये चीज़ को यहाँ पे अपन एंड करते हैं एंड आई होप सो सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि भाई मैं एक लेजिट प्लेयर हूँ। मेरे को ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज सामने सब दिख रहा है कि भाई एवरीथिंग हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय आर पबजी। जो भी उनका थोड़ा सा ग्लिच था तो वो भी उन लोगों ने आई होप सो सॉल्व कर लिया होगा। 7.1 बीटा का जो भी बैन वगैरह पड़ रहे थे आई होप सो वो नहीं पड़ेंगे। एंड अगर तुम लोग मेरे जैसे करोगे तो आपको पड़ेगा। अगर आपको ऑफिशियल लिंक से मिलता है तो आप डाउनलोड करो एंड तो यूज़ करो तो आपको बैन वगैरह नहीं मिलेगा। बट अगर आप अपने फ्रेंड से लोगे तो आपको बैन पड़ेगा। सो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि पूरी जर्नी में अपने लाइक बहुत सारे भाइयों ने हेल्प किया, लाइक घातक भाई, क्रॉन्टन भाई, फिर अपने प्रवीण भाई, गुरमित पाजी या फिर लिथल वगैरह, लिथल भाई, फिर एरर 403 वगैरह, लाइक बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया। बहुत सारे लोगों ने फीडबैक भी दिया कि लोल्स अकाउंट आ जाएगा एंड फाइनली अपना अकाउंट आ चुका है। एंड अपन वापस मिलते हैं आज की रात की 8 बजे की स्ट्रीम पे। तो आई होप सो सभी लोग आओगे, ज्वाइन करोगे एंड वी विल रैंक पोस्टिंग टू टॉप 10। सो एंजॉय करना।